हेलो दोस्तों, मैं रवि सैनी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब पर। दोस्तों, ये वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए है जिनका यूपी डीएलएड में उनका जो रिजल्ट आ गया है और साथ में उनकी जो काउंसलिंग होनी है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा स्टेप समझाएंगे कैसे आप जो 5 राउंड है काउंसलिंग के लिए, जिसमें फर्स्ट जो राउंड है उसमें आपको पिन जनरेट करना है, फिर सेकेंड राउंड में पासवर्ड जनरेट करना है, थर्ड राउंड में आपको चॉइस लॉगिंग का जो ऑप्शन है वो चूज़ करना है, और फोर्थ राउंड में जो आपको लॉक करना है, जो अपने कॉलेज को लॉक जो सीट है उसको लॉक करना है, और लास्ट राउंड में आपको जो है इंस्टीट्यूट और कॉलेज चॉइस करना है। तो पूरा प्रोसेस हम आपको आज प्रैक्टिकली बताएंगे कैसे आपको करेंगे। तो उसके लिए आप हमारे जो वीडियो है इसको अंत तक देखिए, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों हम इसमें जितनी भी गवर्नमेंट जॉब एडमिट कार्ड रिजल्ट और सिलेबस जारी होते हैं हम आपको वीडियो के माध्यम से स्टेप बाई स्टेप गाइड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी वेबसाइट जिसका नाम है gayatrijobs.com, और वेबसाइट पर जाने के लिए हम टाइप करेंगे gayatrijobs.com और इस पोस्ट को हम ओपन करेंगे, जिससे आप पहले भी आप ओपन कर चुके हैं जिन अभ्यर्थियों ने हमारी पिछली वीडियो देखी है, तो वही आपको पोस्ट ओपन करनी है। उसमें हमने पूरी डिटेल आपको दी हुई है। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिंक दिया हुआ है यूपी डीएलएड जनरेट ओटीपी लिंक, इस पर आपको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये उनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। इसमें आपको इसमें जो लिखा हुआ है जनरेट वन टाइम पासवर्ड, इसमें आपको अपना कोर्स जो है वो सिलेक्ट करना है, उसके बाद अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और वो डालेंगे, और नेक्स्ट उसमें आप अगर फिजिकल हैंडीक्रैफ्टेड अगर हैं पर तो यस करेंगे, अदरवाइज नो पे आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट उसमें आप डेट ऑफ बर्थ आपको अपनी डालनी है, मंथ और ईयर डाल के, और जो ये कैप्चा दिया हुआ है जो कि अभी शायद नहीं आ पा रहा है, ये जो कैप्चा है ये आपको यहाँ पर डाल के और लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद का जो मेथड है हम आपको दिखा देते हैं। हमने इमेज दी हुई है तो ये इमेजेस आपके सामने हम आपको शो कर रहे हैं, जो कि आपको हमारी जो पोस्ट है उस पर लास्ट वाले ऑप्शन में मिल जाएगी। इसमें जो सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है यूपी डीएलएड चॉइस फिलिंग लिंक पे आपको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन दोबारा से आ जाएगा, जो कि वन टाइम ईमेल वो पासवर्ड जो रहेगा इसके अंदर। तो मैं आपको पूरी डिटेल में स्टार्टिंग से बताते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, ये जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, और काउंसलिंग पे आपको क्लिक करेंगे, और स्टेप वन जनरेट ओटीपी पे यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ओपन हो जाएगी, इसमें आपको सेलेक्ट कोर्स का नाम डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर, फिजिकल हैंडीक्रैफ्टेड अगर हैं यस या नो में आप आंसर देंगे, डेट ऑफ बर्थ में आपको यहाँ पर मेंशन करनी है, और ये कैप्चा जो दिया है वो यहाँ पर डाल के और लॉगिन पे आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा आपके पास, एक मैसेज आएगा योर पिन वन टाइम इज सेंड ऑन योर मोबाइल नंबर, जो आपने मोबाइल नंबर फीड किया हुआ है उस मोबाइल नंबर पर आपके पास जो पिन है वो आ जाएगा। नेक्स्ट उसमें आपको दोबारा से स्टेप वन पे आपको क्लिक करना है जनरेट ओटीपी पे, और फिर वहाँ पर जाके आप कैंडिडेट लॉगिन का आपको ऑप्शन मिलेगा दोबारा से वही, तो यहाँ पर आप वन टाइम जो पिन आई आपके पास वो यहाँ पर डालेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर और कोर्स सेलेक्ट करेंगे, और ये दोबारा से फिर जो कैप्चा दिया हो वो डाल के लॉगिन आप कर लेंगे। नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा, कैंडिडेट चेंज योर ओटीपी पासवर्ड, अगर आप अपना पासवर्ड या ओटीपी चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं लॉगिन करते हुए। यहाँ पर आप वन टाइम पासवर्ड और पिन जो आपके पास आया है वो यहाँ पर डाल लेंगे, न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड डाल के सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट इसके बाद जो ऑप्शन आएगा आपके पास, बनाए गए पासवर्ड के माध्यम से अभ्यर्थी संस्था का विकल्प भरने हेतु चॉइस फिलिंग में प्रवेश करेगा, तो आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा चॉइस फिलिंग के अंदर। उसमें आपका रोल नंबर रहेगा, कैंडिडेट नेम, रजिस्ट्रेशन डेट, सब कैटेगरी, यहाँ सब आपकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर जो लिखा हुआ है चॉइस अवेलेबल, क्लिक हेयर टू व्यू चॉइस अवेलेबल ऑफर्ड सीट फॉर यू, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक सामने शो हो जाएगा, उसमें आपका पूरा डिटेल रहेगी। और नेक्स्ट ऑप्शन में आपको यहाँ पर सारे इंस्टीट्यूट दिए होंगे, और इसमें जो लिखा हुआ है चॉइस सबमिशन पर क्लिक कर अभ्यर्थी संस्थानवार जनपदवार संस्था का विकल्प प्लस पर क्लिक कर संस्था को चयनित करें, यहाँ पर प्लस का निशान दिया हुआ है, उस प्लस के निशान पे आपको क्लिक करना है, जैसे कि यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो जोन से भी इंस्टीट्यूट नेम यहाँ पर दिए होंगे,
और साथ में बैच नेम दिए होंगे और सीट डिटेल दी होगी। तो इन पे आपको अगर जोन सी भी संस्था को आपको चुनना है उस पर आपको प्लस का निशान आप पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप जो है इसके अंदर, यहाँ से आपको इसको आप जूम भी कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ प्लस के निशान पर क्लिक करके। तो यहाँ से हम आपको दिखाते हैं सही तरीके से। यहाँ पर आपको सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट आपको अपना चूज़ करना है, सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, जौन से भी डिस्ट्रिक्ट आपको कॉलेज चाहिए यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद उस डिस्ट्रिक्ट के जितने भी कॉलेजेस हैं वो सब आपके यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर आप कॉलेज इंस्टीट्यूट नेम रहेगा, बैच नेम और सीट, तो आप प्लस के निशान पर क्लिक करके उसको चॉइस कर लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन में जैसे यहाँ पर आपने इलाहाबाद चूज़ किया तो उसमें प्लस का निशान किया तो उसमें आएगा टोटल सबमिटेड चॉइस 3, सेव एंड गो टू होम। तो यहाँ से आपको चॉइस करते ही ये ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। और नेक्स्ट के बाद आपके जो आता है अभ्यर्थी सेव एंड कंटिन्यू पर संस्था के विकल्प चयन करते रहें। तो ऐसे करके आप जो संस्था का है वो जो चयन है वो कर सकते हैं। इसमें जो आपका चॉइस करते ही जब आप सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद मैसेज आएगा आपके पास, योर फोर चॉइस हैज़ बीन सेव सक्सेसफुली, प्लीज़ चेक सेव एंड कंटिन्यू बटन आफ्टर ए स्पेसिफिक इंटरवल। नेक्स्ट जो लिखा हुआ है, अभ्यर्थी चॉइस डिलेक्शन के माध्यम से जोड़े गए संस्था को अपनी इच्छा अनुसार हटा सकते हैं। तो चॉइस आपको दोबारा से यहाँ पर कर लेंगे, चॉइस डिलेक्शन डिलीट एनी सिलेक्शन और सिलेक्टेड चॉइस पे आपको दोबारा से क्लिक करना है। तो आपने बाई चांस गलती से कुछ दोबारा कोई इंस्टीट्यूट आपने गलत चॉइस कर लिया है तो आप उसको वहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, दोबारा से चॉइस भी कर सकते हैं। यहाँ से ही ऑप्शन आ जाएगा डिलीट चेक्ड आइटम, जो आपने चेक की हुई है उसको चेक को हटा के आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट उसमें आएगा, यू आर श्योर यू वांट टू डिलीट सिलेक्टेड चॉइस, आपको यस कर देना है, और अगर गलती से हो रहा है तो आप ओप्स प्लीज़ नो पे आप क्लिक कर देंगे। तो ये ऑप्शन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट में आएगा आपका जो मैसेज आएगा, आई चॉइस हैव बीन रिमूव फ्रॉम योर फाइल चॉइस सक्सेसफुली, तो ये मैसेज आएगा तो आपका जो आपने चॉइस किया वो हट जाएगा वहाँ से। अभ्यर्थी भरे गए संस्था के विकल्प को देखने के लिए व्यू सबमिटेड चॉइस के विकल्प पर क्लिक करें। यहाँ से आप दोबारा से क्लिक करेंगे तो जोन सा आपने इंस्टीट्यूट आपने चॉइस किया है वो आप देख सकते हैं, यहाँ से आपका इंस्टीट्यूट आ जाएगा। नेक्स्ट जो रहेगा, अभ्यर्थी अपने द्वारा भरे गए संस्थान के विकल्प के वरीयता क्रम में परिवर्तन हेतु चॉइस इंटरचेंज क्लिक करें। अगर आपको दोबारा से चॉइस करना है तो आप चॉइस इंटरचेंज पर क्लिक करके दोबारा से चॉइस कर सकते हैं दोस्तों। तो ये स्टेप हम आपको बता रहे हैं। इसमें आ जाएगा चॉइस फ्रॉम, कौन से कॉलेज को आप चॉइस करना चाहते हैं तो यहाँ से आप दोबारा से चॉइस कर सकते हैं। चॉइस फॉर्म ओटीपी नंबर 1 डीएलएड आगरा, आगरा गवर्नमेंट को एजुकेशनल डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2 ओपीटीएनओ 3 डीएलएड इलाहाबाद, इलाहाबाद गवर्नमेंट को एजुकेशन डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इंटरचेंज सक्सेसफुली, तो आपके पास ये मैसेज आ जाएगा। इसमें लिखा हुआ है, भरे गए संस्था के विकल्प में पूर्णतः सुनिश्चित होने के पश्चात अभ्यर्थी लॉक चॉइस पर क्लिक कर पूर्व में बनाए गए पासवर्ड के माध्यम से संस्था के विकल्प को सेव करें। एक बार लॉक किए गए विकल्पों में पुनः किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा। अगर आपने ये लॉक कर दिया तो दोबारा से आप इसको अनलॉक नहीं कर सकते, तो आपको वो सेव हो जाएगी जो भी आप इंस्टीट्यूट ले रहे हैं। नेक्स्ट उसमें दिया हुआ है चॉइस लॉक चॉइस चॉइस लॉकिंग, तो ये सिस्टम आपको क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोबारा से पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको आई एग्री टू लॉक माई चॉइस पे आपको क्लिक करना है या फिर आई विल बैक माई चॉइस लेटर। अगर आप चॉइस करना चाहते हैं तो इस पे आप क्लिक करके और सबमिट कर देंगे। अगर नेक्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है आई विल लॉक माई चॉइस लेटर, अगर आप बाद में करना चाहते हैं तो आप इस पे नीचे क्लिक करके इसको आप सेव कर देंगे। तो जोन से भी इंस्टीट्यूट हैं आपके सब 1, 2, 3 आपकी डिटेल यहाँ पर रहेगी और साथ में बैच नेम यहाँ पर रहेंगे आपके, तो आपको फाइनल सबमिट यहाँ से करना है। आई हैव आई एग्री टू लॉक माई चॉइस पे आपको क्लिक करके चॉइस क्लिक ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। जैसे ही आप चॉइस करेंगे तो इसमें आपको जो मैसेज आएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अर्ली लॉकिंग डज नॉट मीन अर्ली अलॉटमेंट और फर्स्ट
क्लेम और द ऑन द सीट अलॉटमेंट इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन मेरिट चॉइस वन लॉक कैन नॉट बी चेंज आर यू श्योर यू वॉन्ट टू लॉक योर चॉइस एंटर योर वन टाइम पासवर्ड और पिन जो आपके पास वन टाइम पासवर्ड जो आपके पास है वो यहाँ पासवर्ड डाल के आपको यस प्लीज़ लॉक पे आपको क्लिक कर देना है तो आपका जो सीट है वो पूर्णतः लॉक हो जाएगी। नेक्स्ट मैसेज आ जाएगा आपके पास योर फील्ड चॉइस टोटल थ्री हैज़ बीन लॉक सक्सेसफुली नाउ यू आर नॉट अलाउड टू मेक एनी मॉडिफिकेशन इन फील्ड चॉइस आफ्टर लॉकिंग द प्रिंट आउट लॉग आउट बटन एंड क्लोज ऑल ओपन विंडो रिलेटेड टू योर सेशन फॉर सिक्योरिटी रीजन। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो लॉग आउट हो जाएगा उसको आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो आपके ये स्टेप जो मैंने बताया इसको आप फॉलो करेंगे तो आप अपना जो चॉइस फिलिंग का जो ऑप्शन है काउंसलिंग का कि कौन सा इंस्टीट्यूट आपको चाहिए तो इसके अंदर मैंने देखा कि तीन कॉलेज आप इसमें चॉइस में डाल सकते हैं और लॉक कर सकते हैं और उसके बाद आपको बस जो कॉलेज हैं उनमें से एक अलाउट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।